कैम छो तो मैं बता दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई हो और आप नया एपिक कार्ड यानी वाटर कार्ड बनवाना चाहते हो, या फिर आपके पास वाटर कार्ड है लेकिन उसमें कोई भूल है और आप उसमें करेक्शन करवाना चाहते हो, या तो आप किसी दूसरी जगह पे अपना वाटर कार्ड शिफ्ट करवाना चाहते हो, या किसी वजह से वाटर लिस्ट में से नाम डिलीट करवाना चाहते हो, तो इन सभी काम के फॉर्म्स भरने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने देश के सभी वोटर्स के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन में आप वोटर लिस्ट के रिलेटेड कोई भी काम का फॉर्म बेहद आसानी से और वो भी घर बैठे भर पाओगे। इसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च बार में टाइप कर लीजिए वोटर हेल्पलाइन। अगर स्पेलिंग सही टाइप करोगे तो सीधा एप्लीकेशन का पेज खुल के आएगा। आपको ऐसे थंबनेल वाली और जिसके नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ हो वही ऐप इंस्टॉल करनी है। गलती से कोई दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कर लेना। इंस्टॉलेशन के बाद एप्लीकेशन को कर लीजिए ओपन। आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, उसमें यहाँ पे चेक मार्क करके नेक्स्ट के बटन पे कर लीजिए टैप। अब एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे न्यू यूजर पे टैप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड ओटीपी पे कर लीजिए टैप। अब आपके नंबर पे आया हुआ ओटीपी यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई के बटन पे कर लीजिए टैप। उसके बाद यहाँ पे इस बॉक्स में आपका मेल आईडी एंटर कर लीजिए। उसके नीचे के बॉक्स में आपका या फैमिली के किसी भी मेंबर का वोटर आईडी नंबर एंटर कर लीजिए। वोटर आईडी कार्ड पे फोटो के ऊपर या नीचे बारकोड के बगल में आपको वोटर आईडी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस एप्लीकेशन के लिए आपको एक पासवर्ड सेट करना है। ये पासवर्ड मिनिमम 6 लेटर यानी 6 अक्षरों का होना चाहिए, जिसमें एक कैपिटल लेटर, एक 0 से 9 के बीच का कोई भी नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर कंपल्स आना चाहिए। इस बॉक्स में फिर से वही पासवर्ड डाल के नीचे बने सबमिट के बटन पे टैप कर लीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुल। अब इस एप्लीकेशन में फॉर्म्स कैसे सबमिट करने हैं इसका मैं हर फॉर्म का एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ।